हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारनिंग सो इन वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस साइको अनालिटिकल लिटरेरी थे इसके अंदर हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके साथ में आपको कुछ प्लेस की कुछ पोम्स की एग्जांपल्स भी दूंगी ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें ऑल सो लेट्स प्रोसीड सबसे पहले बात करते हैं कि साइको अनालिटिकल क्या है ठीक है जी सो इट इज अ थेरी डेट इज प्रपोज बाय सिगमेंट फ्रॉइड इस थेरी को जो है वो सिगमेंट फ्राइड ने प्रपोज किया था और इट इज रिगार्डेड एज द सेट ऑफ साइकोलॉजिकल थेरीज अब जब हम साइको अनलिटिकल थेरी की बात करते हैं ये हमारे पास सेट ऑफ साइकोलॉजिकल थेरीज है इट्स नॉट अ सिंगल थेरी इसमें बहुत सी साइकोलॉजिकल थेरीज का सम है या फिर आप कह सकते हैं बहुत से थेराप्यूटिक मैथड्स मतलब जितनी भी थेरेपी जो है वो यूज होती है जैसे कि बिहेवियर थेरी है कॉम्युनेटिव थेरी है Uh, बहुत से साइकोलॉजिकल मेथड्स जो हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ठीक है आर टू क्योर द द मेंटल डिसऑर्डर्स बाय एग्जामिनिंग कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस इन द माइंड हमारे पास जो है इट इज अ सेट ऑफ साइकोलॉजिकल थे और बहुत से जो थेरापटिक मेथड्स हैं उनका एक सेट है उनका एक सम है जो कि हम मेंटल डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए यूज करते हैं जिसमें हम लोग ह्यूमन uh, माइंड का कॉन्शियसनेस और उसके अनकॉन्शियसनेस को एग्जामिन करते हैं ठीक है नाउ साइको एनालिटिकल लिटरेरी थेरी जब हम लिट्रेरी थेरी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इट इज यूज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द टेक्स्ट हम लिटरेचर को हम टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं हम उसको एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन द साइको एनालिटिकल थेरी अब जो साइको एनालिटिकल थेरी के अंदर जो की कॉन्सेप्ट है उनकी बेस के ऊपर हम लिटरेचर को एनालाइज करते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं जी थ्री एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी जो पहला की कॉन्सेप्ट है साइको थेरी का उस इसको हम डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास थ्री एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी के दिए हैं हमें सिगमेंट फ्रॉइड ने सो so, सिगमेंट फ्रॉइड कहते हैं कि हमारे जो ह्यूमन uh, पर्सनैलिटी है वो कम्पोज है थ्री एलिमेंट्स के साथ एक इड है एक ईगो है और एक सुपर ईगो है जब हम इड की बात करते हैं तो इट रेस टू द चाइल्डिश पार्ट मतलब चाइल्डिश पार्ट पार्ट है है सेल्फिश जिसको चाहिए ठीक है बड़ा अगर हम लोग सिंपली कहें तो इट्स अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन माइंड सो जिसको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन जो चाइल्ड है, जो, जो है और इट वर्क ऑन द प्लेयर प्रिंसिपल ठीक है और प्लेयर प्रिंसिपल पे जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं इड ठीक है थीके? और इड जो है वो हमारे पास होता है अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड है ठीक है इट बेस्ड ऑन द इंस्टिंग्स लाइक हंगर थर्स सेक्शुअल डिजायर लिबिडो ठीक है जो हमारे पास प्लेयर प्रिंसिपल होता है के अंदर उसको हम कहते हैं लिबिडो तो ये जो है इट काम करता है प्लेयर प्रिंसिपल के ऊपर ठीक है और ये इमिडिएट सेटिस्फेक्शन जो है वो चाहता है ठीक है अब हम बात करते हैं जी सुपर ईगो की सुपर ईगो क्या होता है सुपर ईगो जो है इज बेस्ड ऑन और कंसाइंस कंसाइंस होता है कि जो चीज काम करती है मोरल प्रिंसिपल्स के ऊपर ठीक है मोरल वैल्यूज के ऊपर काम करती है उसको पता होता है कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग सो मुझे जो है ना वो आ, मुझे पता होना चाहिए कि ये रॉन्ग है तो मैं जो राइट वाला पाथ है वही चूज करूँ ठीक है तो सुपर इगो रेफर टू द इंटरनालाइज सोसाइटल एंड पेरेंटल स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड एंड बैड राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर्स ठीक है जो हमें सोसाइटी ने बताए हैं जो हमें बताए जाते हैं कि दिस इज द रॉन्ग वे दिस इज द राइट वे ठीक है दिस इज गुड एंड दिस इज बैड ये उन चीजों पर काम करता है ठीक है इट वर्क ऑन द मॉरल प्रिंसिपल हमारे पास इट काम कर रहा था प्लेगल प्रिंस प्रिंसिपल के ऊपर इमिडियट सेटिस्फेक्शन थी इसको चाहिए और सुपर इगो काम कर रहा है हमारे पास मॉरल प्रिंसिपल के ऊपर ठीक है वी कैन से दैट इट इज द एंजल पार्ट ऑफ द ह्यूमन माइंड हम इसको कह सकते हैं कि सुपर ईगो क्या है वो हमारे पास एंजल पार्ट है ह्यूमन माइंड का ठीक है अब हम बात करते हैं जी ईगो की अब ईगो क्या है ईगो काम करता है एज अ मॉडरेटर बिटवीन इड एंड सुपर ईगो मतलब उन दोनों के दरमियान एक जो बैलेंस क्रिएट करता है वो हमारे पास होता है ईगो अब ईगो क्या करता है ईगो जो है एक तो वो रियलिटी बेस्ड होता है और ये कॉन्शियस पार्ट होता है ह्यूमन माइंड का फॉर फॉर इंस्टेंस इंस्टेंस इफ इफ हैव हैज सम समुअल डिजायर्स सो उसको uh, एक प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा टू फुलफिल दो फॉर एग्जाम्पल कि वो मैरिज इज समथिंग अगर वो सुपर ईगो को देखेगा तो मैरिज इज समथिंग उसके बाद आप यू कैन फुलफिल दो सो इस चीज को फॉलो करना एक पैटर्न को फॉलो करना या फिर एक मॉडरेट मॉडरेटर uh, बन के काम करना उसको हम कहते हैं ईगो ठीक है नाउ हम बात करते हैं जी स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पहले हमने पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा जो थ्री एलिमेंट से अब हम इसका दूसरा की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट अब सिग्मेन्ट्राइड हमें कहता है ये जो डिज़ायर्स होती हैं आप उसको एक लॉन्गर टाइम तक सप्रेस नहीं करते कर सकते किसी ना किसी तरह जो है ना वो आपकी जो है ना वो इट इट कम्स आउट इन सम वे ठीक है लाइक like वो लिटरेचर की सूरत में आ सकती हैं वो आर्ट की सूरत में आ सकती हैं वो ड्राइंग की सूरत में आ सकती हैं ड्रीम्स की सूरत में आ सकती हैं किसी ना किसी तरह जो है ना ये बाहर आ जाती हैं सो so वो कहता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कुछ उनके अंदर कुछ सर्टन इंस्टिंक्ट्स होते हैं लाइक सेक्स है लाइक like हंगर है थर्स्ट like है एंगर्स है, है जो कि सेटिस्फेक्शन uh, मांगते हैं ठीक है सो so, वो कहते हैं कि लिबिडो जो है वो हमारे पास एक प्राइमरी जो है वो प्रिंसिपल है प्राइमरी डिजायर प्रिंसिपल है जो कि हर एज में प्रेजेंट है हमारे ठीक है तो उसने जो है वो हमारे पास फाइव स्टेजेस हमें दिए हैं जो कि है ओरल एनल फेलिक एंड जेनिटल इसको डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं जो ओरल स्टेज की अब जो ओरल स्टेज है वो बर्थ से लेके एक ईयर तक रहता है बच्चे के ठीक है बर्थ से लेके एक ईयर तक का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं ओरल स्टेज अब इसमें जो प्लेयर सोर्स है जो इसमें लिबिडो जो है वो हमारे पास सेंटर्ड है अराउंड द माउथ ठीक है उसका जो प्लेयर प्रिंसिपल है वो सब कुछ उसका वो माउथ के रिलेटेड है लाइक सकिंग ब्रेस्ट फीडिंग बाइटिंग ठीक है क्योंकि इस ये के बच्चे जो है वो हर चीज मुंह मुंह के साथ उसका अपना अपना वो सारा कांटेक्ट रखते हैं कुछ भी चीज पकड़ते है, हैं वो मुंह में डालते हैं सो दैट इज कॉल्ड के वहां पर उनका जो प्लेयर प्रिंसिपल है वो इट इज सेंटर्ड अराउंड द माउथ सेकेंड स्टेज है वो हमारे पास है जी एनल स्टेज एनल स्टेज क्या है जो एक साल से लेके तीन साल तक के बच्चों तक रहती है ठीक है और यहाँ पर जो हमारे पास प्लेयर प्रिंसिपल है या फिर यहाँ पर जो हमारे पास प्लेयर सोर्स है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम माउथ टू एनस और यहाँ पर फोकस किस चीज पर होता है सक्सेसफुल टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक है यहाँ पर बच्चे जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखते हैं ठीक है फ्रॉइड ये बिलीव करता है कि ये पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस है इसमें इसको आप कह सकते हैं कि इट्स एक्चुअली द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस आल्सो थॉट दैट द ईगो द सेंस ऑफ सेल्फ इन रिलेशन टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड डेवलप्स ड्यूरिंग दिस एज अब यहाँ पर यह Uh, बच्चे एक तो पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस आप इस तरह से कहते हैं कि क्योंकि बिकॉज दे लर्न टॉयलेट ट्रेनिंग वो अब खुद uh, जो है वो टॉयलेट यूज करना सीखते हैं ठीक है uh, दूसरी बात है कि वो uh, इस इस पीरियड uh, के अंदर जो है ना वो अब खुद का एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ भी एक रिलेशन कर, डेवेलप करते हैं ठीक है उसको भी सीखते हैं देन वी हैव फेलिक स्टेज अब जो फेलिक स्टेज है वो थ्री ईयर से लेके सिक्स ईयर्स तक रहती है ठीक है यहां पर जो लिबिडो है उसका फोकस होता है जेनिटल्स के ऊपर ठीक है यहां पर बच्चे जो हैं वो क्या सीखते हैं चिल्ड्रन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन ऑपोजिट जेंडर वो समझते हैं अच्छा ये मेन है ये वुमेन है उनको डिफरेंस पता लगता है अब इस स्टेज के अंदर जो होते हैं वो मेल चिल्ड्रन कंसिडर देयर फादर एज ड्राइवर एंड इडिपस कम्प्लेक्स अकर्ड अब स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो मेल चिल्ड्रन होते हैं बिकॉज एक तो वो अपोजिट जेंडर्स को सीखते हैं और मेल करते हैं वो आ, अपने अपने जो फादर होते हैं उनको अपना राइवल समझते हैं ठीक है और यहाँ पर इडिपस कम्प्लेक्स तरह से एक और भी कॉन्सेप्ट जिसमें फीमेल जो है वो आ, अपनी मदर्स की तरफ जो है उनका एक एक, 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 एक हेट्रेड बिहेवियर होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अब हम इनको देखते हैं ये क्या है सो इडिपस कम्प्लेक्स इज एक्चुअली अ डिजायर ऑफ एक्टिविटी विद द पेरेंट्स ऑफ द अपोजिट सेक्स इडिपस कंप्लेक्स क्या होता है कि इसमें एक बच्चे की उस टाइम एक डिजायर होती है कि आ, कि वो अपने ऑपोजिट पेरेंट के साथ जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो ठीक है द मेल चाइल्ड गेट जेलस ऑफ हिज फादर बिकॉज हिज मदर बिलोंग्स टू द फादर अब भी का, आ, आ, हमारे पास फ्रॉइड कहता है कि सेज के अंदर क्या होता है कि बच्चा जो है अपने फादर से जेलस होता है बिकॉज वो जो मदर के साथ उसकी अट्रैक्शन है वो उस, उसमें वो सोचता है कि ये मेरी मदर जो है मेरे फादर के साथ बिलोंग करती है ठीक है उसके साथ बिलोंग नहीं करती तो वो इस चीज़ के अंदर जो है वो जेलस होता है ठीक है एंड वेन द चाइल्ड कुड नॉट फिक्स द प्रॉब्लम इट मे अफेक्ट बिहेवियर इन अडल्टुड अगर उस टाइम उस चीज़ को जो है वो, वो कोप अप ना किया जाए तो ये अडल्टुड के अंदर जो है उसके बिहेवियर पे अफेक्ट करता है अब यहाँ पर फ्रॉइड ने जो हमें एक और कॉन्सेप्ट दिया फियर ऑफ कास्ट्रेशन अब फियर ऑफ कास्ट्रेशन क्या है इट इज एन इेशनल फियर एट द फादर विल कास्ट्रेट रिमूव हिस्स हिम एज अ पनिशमेंट यहाँ पर फ़ियर ऑफ कास्ट्रेशन ये तब बात है कि जब बच्चा जो इस चीज उसके अंदर इरिपस कम्पलेक्स होता है तो साथ में उसका फियर ऑफ कास्ट्रेशन भी डेवलप होता है ये एक एक रैशनल सफियर है जिसमें बच्चे ये सोचते हैं कि फादर विल रिमूव देयर पेनिस एज द पनिशमेंट उनको जब पता लगेगा कि डैट ही हैज फीलिंग्स एंड हीज समुअर्ड हिज मदर ठीक सो टू कोप अप विद दिस एंजाइटी द सन आइडेंटिफाइज विद द फादर अब इस एनजाइटी को कोप अप करने के लिए उस टाइम जो है वो बच्चा फादर को जो है वो आइडेंटिफाई करता है क्योंकि एक तो वो ऑपोजिट जेंडर्स को आइडेंटिफाई करता है फिर वो रोल्स देखता है ठीक है कि फादर का ये रोल है मदर का ये रोल है और बच्चा जो है वो उन एटीट्यूड्स को भी जो है ना वो अडॉप्ट करता है उनके अपने फादर की करेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करता है उनकी वैल्यूज को देखता है लाइक जैसे पर्सनालिटी को देखेगा उसके जेंडर रोल को देखेगा उसके एक मैस्कुलिन टाइप का जो एक डैड टाइप का बिहेवियर होता है वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है ठीक है देन जी हमारे पास आता है इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जो है इज अ टर्म इज यूज अच्छा ये इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास फ्रॉयड uh, ने नहीं दिया ये किसी और ने दिया है मुझे इस टाइम जो है इसका नाम याद नहीं आ रहा लेकिन इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास uh, जो है वो फ्रॉयड का कॉन्सेप्ट नहीं है सो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स इज अ टर्म दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द फीमेल वर्जन ऑफ द इडिपस कॉम्प्लेक्स ठीक है अब जो इडि एडिप, जो इडिपस कॉम्प्लेक्स है जिसमें मैन जो है वो जेलस होते हैं अपने फादर से अपने फादर्स को अपने राइवल्स कंसिडर करते हैं बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन टुवर्ड दे मदर सो यहाँ पर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि गर्ल जो है वो अपनी मदर की तरफ मदर्स को जो है वो राइवल कंसीडर करती हैं ठीक है इट इन्वॉल्व अ गर्ल एज बिटवीन थ्री एंड सिक्स बिकमिंग अनकॉन्शियसली सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू हर फादर एंड इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल टुवर्ड्स हर मदर ठीक है फॉर इंस फॉर गर्ल्स अब यहाँ गर्ल्स में क्या होता है द लेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बिगन विद द बिलव दैट शी हैजरेडी बीन कास्ट्रेट बॉयज में होता है कि दैट दे हैव द फीयर ऑफ कास्ट्रेशन के अगर मेरे फादर को ये पता लगे, लगेगा देन ही विल कट हिज पीनस लेकिन यहाँ पर गर्ल्स फील के शी ब्लेम्स यहाँ पर वो गर्ल्स बिलीव करती हैं डेट दे हैव ऑलरेडी बीन कास्टरेटेड तो शी ब्लेम्स हर मादर शी ब्लेम्स हर मदर फॉर दिस एंड एक्सपीरियंस पीनस एंड वी ठीक है अब हम यहाँ पर मैं आपको एक लकान की थेरी जो है वो भी बताना चाहूंगी लकान जो था वो एक फ्रेंच साइको था जिसने फ्रॉयड की थेरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया उसने इडिपस कम्पलेक्स के ऊपर ही बात की अब लकान ये कहता है कि जब आप इडी बस की बात करते हैं इट इज नॉट ड्यू टू द फियर ऑफ कॉस्ट्रेशन इट इज नॉट ड्यू टू द सेक्सुअल अट्रैक्शन इट इज एक्चुअली कि बच्चा जो है वो अपने फादर से या फादर से जेलस होता है या बच्ची जो है वो अपनी मदर से जेलस होती है इट इज नॉट ड्यू टू द सेक्सुअल डिजायर सेक्सुअल अट्रैक्शन बट इट इज ड्यू टू द लॉ एंड अथॉरिटी क्योंकि फादर्स बिलोंग टू द अथॉरिटी मदर्स बिलोंग टू द अथॉरिटी तो वो इसकी वजह से जब वो जेलस होते हैं ठीक है नउ हमारे पे जो फोर्थ स्टेजेस को डिस्कस करते हैं फोर्थ स्टेज वो हमारे पास है लेटेंट स्टेज जो कि सिक्स ईयर से लेकर अब सुपर ईगो यहाँ पर डेवलप होती है इस एज के अंदर जो वो सुपर इगो क्या होती है वो डेवलप होती है वाइल द इड एनर्जीज आर सेपरेट अब इड कौन सी एनर्जीज थी हमारे पास इट एनर्जीज वो थी जो कि एवरेड सेटिस्फेक्शन चाह रही थी जो कि डेवल पार्ट था ठीक है जो कि सेल्फिश पार्ट था अब वो क्या करती थी वो सप्रेस होते इस एज के अंदर और सुपर ईगो जो है ना वो डेवलप होते क्योंकि सोसाइटी के सारे रिलेशन बनते हैं अब बच्चे क्या करते हैं इस इस पीरियड के दौरान क्या करते हैं बच्चे सोशल स्किल्स को देखते हैं डेवलप करते हैं वैल्यूज को देखते हैं अपने रिलेशनशिप्स को देखते हैं ठीक है आउटसाइड द फैमिलीज के अंदर जो है लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं सो so, ये है कि uh, ये जो पीरियड है इस ये इट्स एक्चुअली द पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन ठीक है रिलेशन का एक्सप्लोरेशन होता है सोशल स्किल्स की एक्सप्लोर आप करते हैं तो ये इस पीरियड के अंदर जो है वो जितनी भी सेक्चुअल एनर्जी है वो सप्रेस्ड हो जाती है ठीक है ये नहीं है कि ये एनर्जी खत्म हो जाती है लेकिन सप्रेस्ड हो जाती है ये एनर्जी प्रेजेंट जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं सब्लिमेटेड है इनटू अदर एरिया जैसे कि इंटेलेक्चुअल इंटलेक्चुअल के अंदर सोशल इंट्रैक्शन के अंदर ठीक है अब दिस स्टेज इज इंपोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इस एज के अंदर क्या होता है ये सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ठीक है देन हमारे पास लास्ट स्टेज है वो है जेनेटल स्टेज अब ये हमारे पास प्यूबर्टी से लेके डेथ तक रहता है अब यहाँ पर लिबिडो जो है वो अगेन एक्टिव हो जाता है अब इस uh, फाइनल स्टेज के अंदर क्या होता है इस ये जो फाइनल स्टेज है साइको सेक्शुअल डिवेलपमेंट का इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करता है एक स्ट्रॉग सेक्शुअल इंटरेस्ट टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स ठीक है इसके अंदर जो लिबिडो बहुत एक्टिव होता है और इसका जो है वो सेक्शुअल इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा इंक्रीज होता है ज्यादा डेवलप होता है टुवर्स द ऑपोजिट सेक्स और ये स्टेज जो है वो बिगन होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी और एंड तक थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है ये पीरियड रहता है ठीक है अब हम बात करते हैं जी साइकोलटिकल लिटरी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अब हम फिर उसकी हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे अब जो साइको अनेटिकल लिटरेरी थेरी होती है वो हमारे पास हेल्प अगर हम जो साइको अनेटिकल थेरी की बेस के ऊपर जब हम लिटरेरी थेरी की बात करते हैं सो तो अब हम उन की पॉइंट्स के बेस के ऊपर किसी भी करैक्टर की साइकी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ठीक है हम अंडरस्टैंड करते हैं डिप्रेस्ड और सप्रेस्ड डिजायर्स हैं अब किसी भी लिटरेचर के अंदर किसी भी प्ले के अंदर किसी भी लिखी हुई चीज़ के अंदर हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर करेक्टर की साइकी क्या है यहां पर करेक्टर कहना क्या चाह रहा है हिडन मीनिंग क्या है उसकी हिडन अर्जीज क्या है उस सबको अंडरस्टैंड करते हैं ठीक है वी कैन कैन से दैट इट द द राइटर्स ओन डिजायर और फीलिंग ही नॉट एक्सप्रेस डायरेक्टली टू सोसाइटी बहुत सी ऐसी जगह आप देखोगे लिटरेचर के अंदर बहुत से ऐसे टेक्स देखोगे जिसमें उसकी एक्चुअल इंटेंशन कुछ और होंगी लेकिन क्योंकि वो सोसाइटी में डायरेक्टली नहीं पोर्ट्रे कर सकता तो वो जो है वो अपने हिडन वेज के अंदर जो है एक्सप्रेस करता है राइटर ठीक है इन सिंपल वर्ड साइकोअटिकल क्रिटिसिज्म एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन इज द लैंग्वेज ऑफर अनकॉन्शियस एंड रिवील्स रिवील डिजायर थ्रू द लिटरेरी टेक्स्ट और आर्ट कहते हैं बड़े सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो हमारे पास जो साइकोअनेटिकल क्रिटिसिज्म है या लिटरे थेरी है वो क्या करती है वो लैंग्वेज को एक्सप्लोर करती है लैंग्वेज को एक्सप्लेन करती है जो हमारे अनकॉन्शियस की है और हमारी जो रिप्रेस डिजायर्स हैं वो हम उसको रिवील करते हैं थ्रू लिटरेरी टेक्स्ट और आर्ट ठीक है अच्छा जी अब हम अपना जो लास्ट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं अब यहाँ पर ये बिलीव करता है जो हमारा कंटेंट ऑफ ड्रीम होता है वो एक्चुअली में जो हमारी विश फुलफिलमेंट uh, होती है उससे रिलेटेड है ठीक है वो कहता है कि जो ड्रीम्स है वो हमारे अनकॉन्शियस का पार्ट है अब उसने अपनी बुक जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन है उसमें दो तरह के ड्रीम को सजेस्ट किया कहता है कि एक होता है हमारे पास लेटेंट ड्रीम और दूसरा हमारे पास होता है मैनिफेस्ट ड्रीम लेटन ड्रीम होता है वो हमारी हिडन डिजायर है हमारा ठीक है, 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 हम है जो हमारे सामने स्टोरी लाइन चलती है वो मैनिफेस्ट ड्रीम है लेकिन उसके पीछे एक हिडन डिजायर होती है ठीक है अब मैनिफेस्ट ड्रीम क्या होता है इज फॉलोड अ अटन ड्रीम फॉर इंस्टेंस अब यू अ ड्रीम दैट यू आर नेकेड इन पब्लिक आपने ये ख्वाब देखा डेट यू आर नेकेड इन पब्लिक सो अब जो इसकी एक्चुअल स्टोरी लाइन है ये जो ख्वाब आपने देखा है वो हमारे पास मैनिफेस्ट ड्रीम है लेकिन फ्रॉयड ये इंटरप्रेट करता है कि इसमें जो लेटर्न ड्रीम है वो ये है कि डेट यू मे हैव फियर ऑफ एक्सपोयर आप इनसिक्योर फील करते हैं सो so, ये हम इस क्योंकि आपके अंदर ये एक हिडन आपकी एक सप्रेस आपके अंदर सप्रेशन है इस चीज़ का या आपके अंदर ये फियर है या अंदर हिडन अर्ज है कोई आपकी तो जो कि है कि आप आपको यू हैव अ फियर ऑफ़ एक्सपोजर यू हैव अ फियर ऑफ यू फील इनसिक्योर सो ये चीज़ें जो है ये आपकी सप्रेस थी और आपने जब ख्वाब देखा तो आपको ये है कि डेट यू आर नेकेड इन पब्लिक ठीक है, so, जो आपने जो आपका, जो आपका ख्वाब देखा जो आपकी स्टोरी लाइन है, है या फिर ये हमारे पास होता है जी ल, आ, लेटन ड्रीम ठीक है देन हम जी इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने अब साइकोटिकल थे पढ़ा अब हम इसको जरा लिटरेचर के साथ रिलेट करते हैं अगर आपने ये प्ले देखा हो द लव एंड सन्स बाय डी एच लॉरेंस तो यहाँ पर हम इडिपस कम्प्लेक्स को जो है वो फाइंड करते हैं क्योंकि इस प्ले ये प्ले जो है इट्स ऑल अबाउट अ करेक्टर पॉल हु हैज एन अनयूजुअल लव फॉर हिज मदर एंड हेटर टूअर्ड हिज फादर अब इसके अंदर क्या होता है कि जो पॉल का करेक्टर है वो अपनी मदर के साथ उस, उसका एक अनयूजुअल अनयूजल साइक लव है एक अनयूजुअल बॉन्ड है और अपने फादर को जब वो हेट करता है ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है इसकी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ ये आ, जो है पॉल है वो पहला एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाता है एक गर्ल मैरियम के साथ जो कि उसके टाउन के अंदर ही रहती होती है लेकिन ये उसको जो है ना वो फिर छोड़ देता है बिकॉज वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता अपनी मदर की प्लेस के ऊपर फिर, फिर उसके बाद ये एक और रिलेशन बनाता है एक मैरिड वुमेन क्लारा के साथ क्योंकि उसको पता होता है कि क्लारा जो है वो इससे कभी शादी नहीं करेगी ठीक है वो और वो दूसरी बात ये अपने हस्बैंड को भी कभी नहीं छोड़ेगी तो so, वो इस लिहाज से रिलैक्स है कि क्लारा जो है ना इज नॉट अ थ्रेट टू एडिपस फिक्सेशन ऑन हिज मदर ठीक है सो ये है कि वो ये सोचता था कि अगर मैं मरियम के साथ शादी मरियम Mary, के साथ अगर मैं रिलेशन बनाऊंगा तो उसे उससे शादी करनी पड़ेगी और वो उसकी मदर की रिप्लेसमेंट होगी ठीक है वो उसकी मदर की प्लेस ले लेगी लेकिन क्लारा जो है वो शी इज़ ऑलरेडी मैरिड उसका हस्बैंड है वो उसको कभी नहीं छोड़ेगी सो so, ये है कि वो उसकी जो इडिपस कम्प्लेक्स है उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है ठीक है सो इस प्ले के लास्ट के ऊपर जो है हम ये भी देखते हैं कि पॉल जो है वो अपनी मदर को जो है ओवर डोज ऑफ मॉर्फिन देता है जिसकी वजह से उसकी मदर की डेथ हो जाती है सो so, हम ये भी कह सकते हैं कि किलिंग हिज मदर वाज़ हिज़ अनकॉन्शियस वे ऑफ रिलीजिंग हिमसेल्फ़ फ्रॉम द इडिपस कम्पलेक्स वंस फॉर ऑल तो वो उसके अंदर जो एक गिल था उसके अंदर जो एक, एक डिज़ायर थी कि वो एक तो उसकी मदर के साथ उसकी अट्रैक्शन uh, थी और उसको पता भी है कि ये गलत है तो एंड के ऊपर जो अपनी मदर को एक ओवर ऑफ मॉरफिन दे देता है तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि वो जो है वो uh, उसका ये एक अनकॉन्शियस वे था uh, उस एडिपस कम्प्लेक्स से रिलीज होने का ठीक है दूसरी तरह दूसरी तरफ अगर हम हेमलेट को जो है उसको इस प्ले को भी देखें तो उसके अंदर भी हमें इडीपस कंप्लेक्स नजर आता है कि हेमलेट जो है वो अपने अंकल को नहीं क्लोडियस को जो है वो नहीं किल कर पा रहा होता क्योंकि उसकी भी एक हिडन डिजायर थी बिकॉज ऑफ द मदर फिक्सेशन वो भी अपने बाप को मानना चाहता था बिकॉज ही लव्स हिज मदर सो अब उसके अंकल ने ही वो ही काम कर दिया कर दिया ठीक है सो so, वो जो है वो उस सिचुएशन में है कि वो उसको उस, वो उसको मार नहीं पा रहा अपने अंकल को जो वो मार नहीं पा रहा अपने अपने फादर का जो मर्डर का जो ना वो बदला नहीं ले पा रहा ठीक है इट इज़ ड्यू टू द मदर फिक्सेशन इट इज ड्यू टू द इडीपस कंप्लेक्स ऑलरेड right, यहाँ पर एक पोम भी है आई स्टार्टेड अर्ली टुक माई डॉग ये हमारे पास लिखी है एमली डिकनसन ने अब इस पोम के अंदर जो है हमें साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नजर आता है जो कि सीगमेंट फॉर्ड ने दिया इसमें हमें सप्रेस्ड फीलिंग आती है सप्रेस्ड फीलिंग जो वो नजर आती है इस पोम के अंदर जो है वो हमारे पास एमली डिकन्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस्ड करती, करती है अपनी सेक्शुअल डिजायर को सप्रेस करती है ड्यू टू द सुपर ईगो ठीक है the superego tend to uh, repress our personal desires and thoughts as they are against the moral codes of the society in which we live. अब ये जो पोम है एक्चुअली में विक्टोरियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है कि उस उस एज के अंदर जो था फीमेल्स की फीमेल्स का अपना सेक्सुअल डिज़ायर्स रखना उनको एक्सप्रेस करना जो है वो गलत समझा जाता था सोसाइटी uh, की मोरल कोड्स के उनके मॉरल कंडक्ट्स के अगेंस्ट समझा जाता था तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो फीमेल्स uh, को फीमेल्स uh, थी उनको अपनी फीलिंग्स को सप्रेस्ड करना पड़ता था ड्यू टू ड्यू टू द मोरल कोड्स ऑफ द सोसाइटी तो यहाँ पर हमें सुपर ईगो जो है बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आती है um, एक्टिव uh, नज़र आती है ठीक है इस फॉर्म के अंदर सेकेंडली हम uh, uh, इस फॉर्म के अंदर एक्चुअली में एमली है वो बात करती है अबाउट विजिटिंग द सी एंडनेस इज द प्रेजेंस ऑफ मर्मस अच्छा ये uh, यहाँ पर uh, ये फॉर्म uh, uh, जो अबाउट के हमारे पास जो एमली है वो सी पर जाती है उसको पानी को देखती है उसको लगता है कि ये uh, उसको मर्मर्स नज़र आती हैं लेकिन एक्चुअली में जो मर्मर्स हैं ये जो एक्चुअली में रियलिटी जो है ये द सिम्बल ऑफ सी और जो मर्मर्स हैं ये हमारे पास एक्सप्रेस करती है हर सेक्सुअल डिजायर उसको लगता है कि वो जो पानी है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है जो है, वो उसको जो है वो अट्रैक्ट कर रही है so, सिंपली जो है, जो है ये एक्चुअली द सिंबल ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन ये सेक्सुअल अट्रैक्शन को उसकी जो ऑपोजिट जेंडर्स की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन है जो उसकी रिप्रेस डिजायर है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है सो so, हम अगर इसको ड्रीम सिंबलिज्म के साथ अगर कनेक्ट करें तो हम कह सकते हैं कि जो मतलब उसका जो विजिट है सी की तरफ उसका जो मर्मेड्स का सिंबल्स को यूज़ करना उसका जो वाटर को इस तरह से लेके जाना कि उसको लगता है कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे पास एक मैनिफेस्ट ड्रीम है ठीक है जो हमें हम स्टोरी लाइन देख रहे हैं लेकिन इसके पीछे जो इसकी हिडन एनर्जी है ठीके? उसकी सेक्शुअल अवेकनिंग है ठीक है उसकी सप्रेस डिजायर है जो कि उस उस सारे चीज़ों को देख के जो ना उसकी वो हमारे सामने आई है ठीक है हम कह सकते हैं कि जो उसकी सेक्शुअल अवेकनिंग कैन बी नेम्ड एज लेट लेटन ड्रीम वाइज द विजिट टू दी इज द मैनिफेस्ट कॉन्टेंट ऑफ अर थॉट एंड फीलिंग्स ठीक है जी सो दिस वॉज ऑल अबाउट थैंक यू सो मच